नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। चौपाल चर्चा के लिए हरियाणा राज्य के जिला और तहसील झज्जर के सिलानी केशो गांव को चुना गया। आइए आपको गांव की स्थिति का जायजा दे दे। सिलानी केशो भारत के हरियाणा राज्य के जिला और तहसील झज्जर का ग्राम है। सिलानी केशो जिला मुख्यालय झज्जर से दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर पर स्थित है। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ से गांव की दूरी 281 किलोमीटर है। सिलानी केशो हरियाणा का प्राचीन गांव है। ग्रामीण सेनानियों के शौर्य और शहीदों के अदम्य साहस के लिए इस गांव को कई बार सम्मानित किया जा चुका है। सिलानी केशो के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि भी है। सिलानी केशो गांव औद्योगिक विकास की ओर कदम बढ़ा रहा है। गांव में स्वच्छता में सुधार का प्रयास किया जा रहा है। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा रहा है। सिलानी केशो के ग्रामीणों में सामाजिक भावना भरपूर है। केंद्र और राज्य सरकार ग्रामीणों की स्थिति में सुधार के कदम उठा रही है। सरकारी योजनाएं ग्रामीण जीवन शैली में बदलाव लाकर सिलानी केशो गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर आकर्षक और समृद्ध बना रही हैं। सिलानी केशो गांव भूमि विकास और कृषि विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। दूरदर्शन किसान टीम के साथ जिला उपायुक्त सोनल गोयल भी अपने दल के साथ ग्रामीणों से चर्चा करने हेतु पहुंची। ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और प्रारंभ हुआ चौपाल चर्चा का सिलसिला। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे झज्जर जिले की उपायुक्त माननीय श्रीमती सोनल गोयल जी, जो आज पूरे जिले के प्रशासनिक अधिकारियों विशेषकर कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ आज आपके बीच खुली चर्चा में आपके साथ सम्मिलित होने के लिए उपस्थित हुई हैं। हम स्वागत करते हैं माननीय उपायुक्त महोदया का। मैं यहाँ पर पहुँचने पर उपायुक्त महोदय सोनल गोयल और DDPO साहब और BDO साहब और कृषि विभाग से आई हुई टीम का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने गांव में आने पर। इस कार्यक्रम के दौरान आप बेबाक मैडम से अपने कोई भी सवाल जवाब है वो कर सकते हैं। मैडम जी से रिक्वेस्ट है, ये ड्रेन नंबर 8 निकली हुई है सलानी केशों का खेतों से, इसमें ये खराब पानी आता है, ये किसान पानी उठा लेते हैं, अब उसका चार्ज लगाना शुरू कर दिए। चलो ठीक है, इसकी मेरे पास जानकारी अभी नहीं है। ये तो एक ड्रेन है। इरिगेशन महोदय से बात करके जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो करवाते हैं। हम फरक नगर से जज्जर की तरफ आते हैं तो हमारा एक अप्रोच रास्ता है कोट सिलानी का, वहाँ पर रोडवेज का स्टैंड नहीं है। रिवाड़ी रोड पे जो हाईवे है उसके स्टैंड का जी हाईवे की टीम आई थी जी, उन्होंने सर्वे किया था और उसमें वो बता रहे थे कि हाईवे के पास पंचायत की कोई ज़मीन नहीं है और उन्होंने ये कहा था कि और कोई प्रावधान नहीं है, पंचायत की ज़मीन होती तो वहाँ पे वो बना देते। मैडम जी मेरे गांव की एक पंचायती ज़मीन है जो पट्टे बाहर साल उठती थी, करीब 2 साल से 8-10 एकड़ ज़मीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है और ग्राम पंचायत सिलानी ने किसी खिलाफ़ कोई भी FIR दर्ज नहीं कराई है, जिससे पंचायती कोष में हर साल करीब 2-2.5 लाख का घाटा हो रहा है जी। चलो दिखवा लेते हैं इसकी तहसीलदार साहब से ना रिपोर्ट लेके। खेती बाड़ी की आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या ये है, ना तो बड़े जमींदार रह रहे, छोटे छोटे परिवार हैं, छोटी छोटी जमीन रह रही है। अभी हमारे किसान भाई ने कहा कि जोत छोटी होती जा रही है, तो इसमें हम ये सुझाव देंगे क्योंकि हम शहर के नज़दीक हैं, दिल्ली के भी बहुत नज़दीक हैं, तो वेजिटेबल जो सब्जियों की खेती हम कर सकते हैं, इसके साथ साथ बागवानी का काम भी किया जा सकता है। हमारा ज़िला अमरूद के लिए बड़ा माफिक है और मार्केटिंग की भी कोई दिक्कत नहीं है। आप झज्जर में जिस भी रोड से निकलेंगे आप देखेंगे रोड पे ही इसकी सेल हो जाती है। प्लाट नहीं मिल रहे जी, हमने जी पंचायत की जगह हम बैठे हैं जी, 30-35 साल हो गए जी। प्लॉट की कोई देखो अभी नई स्कीम तो नहीं आई है, आएगी तो जरूर बता देंगे।
सलाहकारों के समाधानों से ग्रामीणों में खुशी और नाराजगी दोनों का ही मिला जुला प्रभाव नजर आया। कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का, जल्द ही हाजिर होंगे चौपाल चर्चा में समस्याओं के निदान के साथ। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के साथ ही साथ जिला उपायुक्त ने क्षेत्र विकास और ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी भी चौपाल चर्चा में दी। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में पानीपत जिले से इसको लॉन्च किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लड़कियों के अस्तित्व और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही है। योजना का उद्देश्य बालिकाओं को पढ़ाकर सक्षम बनाना है और उनकी सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित करना है। केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में बेटियों के लिए छोटी बचत योजनाओं को भी बढ़ावा दे रही है। बेटियों के लिए छोटी बचत योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई है। सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम जमा राशि 250 रुपए रखी गई है। इस योजना में बालिका के माता पिता या संरक्षक को बेटी के नाम से खाता खुलवाना होता है। वित्तीय वर्ष में खाते में 250 रुपए से 150,000 रुपए तक जमा किया जा सकता है। खाता खुलने के 14 साल तक पैसा जमा कराया जा सकता है। 18 वर्ष की आयु में बालिका अपने खाते से जमा राशि का 50% तक निकाल सकती है। बालिका की मृत्यु हो जाने पर संरक्षक द्वारा पूरी जमा राशि ब्याज के साथ निकलवाकर खाता बंद करना होगा। खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूरा होने पर ही खाता मैच्योर होगा। 18 वर्ष से 21 वर्ष के मध्य बालिका के विवाह की तारीख के बाद खाता बंद कर दिया जाएगा। खाता बंद होने के बाद जमा रकम ब्याज समेत निकाली जा सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर नियमित बचत खाते की ब्याज दर से अधिक ब्याज दिया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने में सुकन्या समृद्धि योजना सहायक हो रही है। आर्थिक स्थिति में ये हरियाणा मतलब पूरे देश में टॉप 5 स्टेट्स में से आता है। प्रॉब्लम जो हमारी सोसाइटी में देखने को जो मिल रही थी वो थी कन्या भ्रूण हत्या, जिसके कारण हमें ये भी पता है कि हरियाणा में भी जो सेक्स रेशो एट बर्थ की जो फिगर थी 2011 सेंसस में वो पूरे भारत में एक जो कहते हैं वन ऑफ द लोएस्ट था। पंचायतों ने इस विषय को बहुत ही गहराई से समझा, इसका कारण समझा और इसको कैसे दूर किया जाए उसमें उन्होंने इतना सहयोग दिया, जिसके बाद अब अगर हम देखें तो 2017 के जो आंकड़े आए हैं पूरे साल के उसमें हमारा सेक्स रेशियो एट बर्थ 920 को पार करके मतलब क्रॉस कर चुका है। और 920 का मतलब ये हुआ कि 1000 अगर लड़के अगर जन्म लेते हैं एक वर्ष में तो उस पर 920 लड़कियां हैं। तो जहां ये फिगर 800 से कम हुआ करती थी, अब ये फिगर पिछले 3 सालों में बढ़ के ये 920 प्लस हो चुकी है। तो इस सब के लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं कि यहाँ पे जो है लड़कियों की और लड़कों की मात्रा ऑलमोस्ट बराबर है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एक और नया एक इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है हालांकि वो, जिसका नाम हमने दिया है सांझी मदद। तो सांझी मदद एक ऐसा प्रयास है जिसमें हम
हमारे जो बाल भवन है झज्जर में, उस बाल भवन में एक सेंटर खोला है, और आप सबके घरों में जिसके भी अगर कोई ऐसी चीज़ें हों जो कि कोई दूसरा व्यक्ति यूज़ कर सकता है, चाहे वो क्लोथ्स हों, चाहे वुलन्स हों, चाहे वो टॉयज़ हों या बुक्स हों, ऐसी कोई भी वस्तु जो दूसरे यूज़ कर सकते हैं, तो आप सब उसमें दान दें, और वहाँ से फिर हम जो ज़रूरतमंद हैं उनको पहुँचा रहे हैं। तो अगर हम बात करें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो स्कीम है, उसमें हम सबको पता है झज्जर ज़िला पिछले वर्ष ही ODF डिक्लेयर हो चुका है, तो ओपन डेफिकेशन फ्री। पहले तो हमने जो है रूरल आंचल में इस मुहिम को चलाया, सब पंचायतों ने बहुत ही पॉजिटिव रोल उसमें रखा, साथ ही साथ में अब अर्बन एरियाज़ भी जो हैं, जो हमारे शहर के जो आंचल हैं बेरी, झज्जर और बहादुरगढ़ काउंसिल, इनको भी ODF डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो ODF डिक्लेरेशन है, ये एक स्टेप है, इसको आगे कंटिन्यू रखना है। मतलब हमें लोगों को निरंतर जागरूक करते रहना है कि खुले में शौच जो है इस प्रथा को बिल्कुल बंद करना है। हमारे गांव में कूड़ी के गड्ढे बने मिले हुए हैं जी, तो पूरा गांव वहां पर गोबर डालता है जी। मैंने मंत्री महोदय से, पंचायत मंत्री हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी से कई बार मांग पत्र दिया है कि जी इनको उठा करके हम पंचायत की ज़मीन में और कहीं, मतलब इनको शिफ्ट करवा दो जी, हम पंचायत की ज़मीन को देने के लिए सहमत हैं। तो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि मैं जितने भी गड्ढे हैं उन आदमियों से, मतलब मीटिंग लेकर के उनसे मांग करूंगा कि भाई आप इनका तबादला कर दो। जहां हमारा घर है उधर हम रहते हैं, वहां गली भी बन गई सर नहीं, लेकिन ना तो वहां नाली बनी उसकी, नालियां दोनों तरफ की ऐसे ही पड़ी हुई हैं, और वहां पे पानी निकलने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, जिसके खड्डे हैं उनमें पानी भरा हुआ है। और गाँव वाले खुद कोशिश नहीं करके जी, समस्याएँ बताते हैं जी, समस्याएँ उनका समाधान नहीं करते। नाली में पन्नी अड़ी हुई तो उसको निकाल नहीं सकते, सरपंच को फोन करेंगे कि भाई उस सफाई कर्मचारी को भेज, भाई अड़ पानी रोड के ऊपर आ गया। हमारे सरपंच साहब तो बहुत सफाई का ध्यान रख रहे हैं, और नाली बनवा दी, पक्के रोड बनवा दिए, लेकिन औरत पोलोथीन नालियों में डाल देती हैं, कीचड़ गोबर सारा सामर कर नालियों में डाल देती हैं। चौमासा में इतना बुरा हाल है जी, मच्छर मक्खी इतने पैदा हो जाए, इतना ज़्यादा गंद रहे जी, बीमार होने की पूरी पूरी संभावना रहे जी। बहुत अच्छी नाली बन रही है जी, बहुत अच्छे हैं जी। जहाँ पे रिक्वायरमेंट है कम्युनिटी टॉयलेट की, पब्लिक टॉयलेट की, मोबाइल टॉयलेट की, वहाँ वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और अगर कुछ जगह में अभी भी बाकी हैं तो हम पंचायतों को रिक्वेस्ट करते हैं कि काफ़ी पंचायतों के पास खुद का भी फंड है, तो वो उस फंड को यूज़ करके उसका प्रावधान करें। हमारी केशव सलानी में जी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है जी सरपंच के द्वारा। मतलब हमें लोगों को निरंतर जागरूक करते रहना है कि खुले में शौच जो है इस प्रथा को बिल्कुल बंद करना है। एक और नई मुहिम चल रही है अपने ज़िले को प्लास्टिक फ्री बनाने की, तो प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें, अपने एनवायरनमेंट पे हम और अच्छा इम्पैक्ट कैसे लाएं, क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट को कैसे प्रमोट करें, ये अभियान चल रहा है, उसमें आपकी पंचायत काफ़ी सक्रिय कार्य कर रही है, इसको और आगे लेके जाएं। कार्यक्रम के बीच आज पहुंचे हैं कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर रोहतास सिंह जी, जो आपको कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं से अवगत कराएंगे। कृषि विभाग द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें हमारी एक आत्मा स्कीम है, उसका मुख्य उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में जो भी नई रिसर्च होके आती है और उसको जो किसान के खेत तक ले जाना होता है, तो वो कृषि विभाग द्वारा किया जाता है। उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, किसानों का भ्रमण भी करवाते हैं दूसरे गांव में, ज़िले में, ज़िले से बाहर भी, ताकि किसान अपनी आंखों से देख के और उसको अपने खेत पे अपना के अपनी जो खर्चा है उसको कम करते हुए अपनी आमदन बढ़ा सके। इसके साथ साथ भारत सरकार की तरफ से हमारी फसलों को जोखिम फ्री करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से चालू की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आपदाओं के दायरे को बढ़ाया गया है। जल भराव, फसल कटाई के बाद होने वाले सभी नुकसान योजना में शामिल हैं। किसानों के कल्याण, खेतिहर समुदाय के लिए जोखिम प्रबंधन और प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान की भरपाई का आसान तरीका है ये योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खाद्यान्न और
तिलहन के लिए प्रीमियम 2% है। रबी फसल के लिए वार्षिक प्रीमियम 1.5% रखा गया है। बागवानी और कपास के लिए प्रीमियम 5% रखा गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहले की बीमा योजनाओं की विशेषताओं के साथ कमियों का प्रभावी समाधान देती है। अब तक की सबसे कम प्रीमियम दर पर नुकसान का त्वरित आकलन और निश्चित समय सीमा में दावे का भुगतान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ना सरल और लाभ लेना सुगम है। यदि किसी वजह से प्राकृतिक कारणों से फसल में नुकसान होता है तो किसानों को उसकी सहायता इस स्कीम के माध्यम से की जा सके। इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं कि मिट्टी हमारी माँ है और मिट्टी के स्वास्थ्य की जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अच्छे से खेती कर सकें और हम लगातार अच्छी फसलों का उत्पादन ले सकें। इसके लिए भी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम चलाई जा रही है जिसके तहत गांव-गांव जाके मिट्टी के सैंपल लिए जाते हैं ताकि उनकी जांच करके आपको सॉइल हेल्थ कार्ड दे के और ज़रूरत के हिसाब से ही हम उसमें खाद डालें। जिस खाद की ज़रूरत है वही खाद डालें। इससे भी हम अपना जो लागत का मूल्य है, लागत खर्चा है, वो कम कर सकते हैं और अपना उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं और हमारी मिट्टी की जो स्वास्थ्य है उसको बनाए रख सकते हैं ताकि लगातार हम देर तक अपनी भूमि से अच्छी फसलों का उत्पादन ले सकें। जो जो है खेती में क्या है, पीली पत्ती हो जाए ऊपर से, फिर गोब में कीड़ा लग जाए, काला 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 रतबा, जो काला रतबा होता है पत्ते पर आ जाता है, उसका जो है दवाई दे उसको कोई इलाज नहीं होता, उससे फसल कमजोर हो जाए। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बिजाई से पहले अपने मिट्टी पानी की जरूर जांच कराएं, उसी के आधार पे हम खाद और पानी देंगे तो हमारा उत्पादन भी अच्छा होगा। और अभी इन्होंने एक बीमारी की बात की, पीला रतुआ की, येलो रस्ट, उसकी पहचान ये है कि अगर पत्ती को हम हाथ में ऐसे लेके करेंगे तो हाथ पे हल्दी जैसा पीला पीला रंग हो जाता है और उसके इलाज के लिए दवाई है प्रोपिकोनाजोल, उसका अगर हम स्प्रे करें देखते ही, जैसे जब भी लगता है कि येलो रस्ट का अटैक होने जा रहा है तो उसका स्प्रे करें, ये कंट्रोल हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सिलानी केशव पंचायत में जितनी भी स्कीमें हैं उसमें जो एक्चुअल बेनिफिट है, एक्चुअल लाभ है स्कीमों का, वो सभी तक ज़रूर पहुँचेगा। अगर हम बात करें कृषि की, कृषि में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो अभी डीडी एग्रीकल्चर महोदय ने भी बताया, उसके हमारे आंकड़े अगर हम 2016-17 के देखें तो खरीफ भी और रबी भी दोनों ही सीज़न में लाभार्थी जो थे वो काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारे ज़िले में उन्होंने बेनिफिट प्राप्त किया। खरीफ में लगभग 24,000 बेनिफिशरीज़ हैं जिन्होंने 2016-17 में बेनिफिट प्राप्त किया, जिसकी भूमि अगर देखें तो करीबन 30,000 हेक्टेयर की भूमि थी। और ऐसे ही राबी में भी अराउंड 20,000 फार्मर्स ने बेनिफिट लिया है, 22,000 के आसपास की हेक्टेयर ज़मीन है उनके पास। योजनाओं की जानकारी के बाद भी ग्रामीणों में अपनी समस्याओं का समाधान मांगने का प्रयास रहा। निरंतर गांव विकास पर नाराजगी और सरकारी प्रयासों की सराहना व्यक्त की जाती रही। कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक और छोटे से अंतराल का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा, हम जल्द ही हाजिर होंगे। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवा पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास चार ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हम दर्द होते हैं हम, और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर।
गांववासियों की समस्याओं के समाधान और सलाह का सिलसिला निरंतर जारी रहा। सभी अधिकारी उचित तरीके से गांववासियों की समस्याओं के हल चौपाल चर्चा में देते रहे। पंचायत की जमीन है शमशान घाट की, केशोर जालम की आमने सामने है। जालम के सरपंच ने व पंचायत जालम ने करीब 7 से 8 फुट जमीन हमारी दबा ली है। मैंने कई बार इनको आश्वासन दे दिया जी कि मैं उसकी पेमास करवा करके अगर आपके अंदर आएगी वो जमीन तो मैं हटवा दूंगा दीवार को। जैसे दीवार निकलवाई थी पहले पेमास करवाई थी उस हिसाब से मैंने ठीक निकलवाई थी जी वो दीवार। अगर वो फुट आध फुट अगर होगी तो मैं बताता हूँ कि भाई उनको हटवा दूंगा मैं। 6 से 7 फुट की गारंटी है जी, अगर पैसे हम देंगे जी। आधा तो बना दिया, आधे का कमीशन कर दिया गया है, उसके बाद में सीएफ विंडो लग रही है, जो फैसला आएगा उसके फेवर में कर देंगे हम काम। सरकार हमारे को कृषि उपकरणों पर ऐसी सब्सिडी दे रही है जिससे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा उनको लेने का वो करें। वो महकमे के अंदर जाकर किसान भाई अपने फार्म भरें जिससे हमें डायरेक्ट खाते के अंदर पैसा मिलेगा। अच्छा, एक जो हक है समय पर खाद नहीं मिल रही। और जहाँ तक खाद की बात कर रहे हैं, अभी तक हमारे ज़िले में 21,000 MT खाद आ चुका है, जो हमारी पैक्स के माध्यम से जो प्राइवेट डीलर हैं उनके माध्यम से किसानों तक पहुंचाया गया है और लगातार सप्लाई आ रही है, इसकी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। ये मैडम गांव की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, सोलर का हमारे को प्रिविलेज दिया जाए तो और अच्छा रहेगा एग्रीकल्चर के लिए। जैसे अपनी सब्सिडी दी जा रही है रेटर रूटर के ऊपर या उसके ऊपर रैपर के ऊपर दी जा रही है, किसानों को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। सोलर एनर्जी से ट्यूबवेलों के लिए हमारे सालावास ब्लॉक को चुना गया था, उसमें पूरे ब्लॉक में दिए गए हैं और सरकार का इस पे पूरा फोकस है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जाएगा कि सोलर एनर्जी से हमारी जो बिजली की खपत है उसको पूरा किया जाए। सिलानी जालिम पन्ना में जी बहुत प्रोग्रेस हो रही है, बहुत अच्छी नाली और गाड़ अच्छी तरह से बनाई है और सही पानी की निकासी हो रही है जी। मैं तहे दिल से सभी अधिकारीगण का मैडम का शुक्रिया अदा करता हूं जो अपना कीमती समय निकाल के गांव में आई, समस्या समाधान किया। चौपाल चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में संचालित विकास योजनाओं की जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में नई योजनाओं और एक नए गांव में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।